बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं हूँ शबाना और आज मैं बनाने लगी हूँ एक सैंडविच। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखें, इसे बनाने के लिए मैंने 5 अंडे बॉयल करके रखे हुए हैं और इधर आलू भी मैंने 6 से 7 रखा हुआ है, लेकिन जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा उतना हम यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम 2 अंडे और 3 आलू ग्रेट करेंगे। चूँकि जो मेरे पास बॉयल्ड आलू रखे हुए हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए मैं 3 ले रही हूँ। अगर आपके आलू बड़े हों तो आप 2 ही लें। तो आलू और अंडे ग्रेट हो गए हैं, तो अब इसे साइड में रखेंगे। और अब थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर दें और इसके जगह थोड़ा सा टेस्ट के लिए रेड चिली पाउडर शामिल करें। अब इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ब्रेड स्लाइस के किनारों को निकाल देंगे और इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और ये मेरे पास बटर है जो कि रूम टेम्परेचर पे है, तो एक ब्रेड की स्लाइस पे बटर लगाएंगे और दूसरी ब्रेड की स्लाइस पे ग्रीन चटनी लगाएंगे। इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। और अब जो हमने आलू और अंडे का मिक्सचर बनाकर रखा हुआ है, चटनी वाले ब्रेड पे फैलाकर अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि इसकी फिलिंग किनारों से निकले नहीं। और अब इसके ऊपर से ग्रेट किया हुआ चीज़ फैलाएंगे। और बटर वाली स्लाइस को रखकर हल्का सा दबा देंगे। और इसे आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे हल्का सा रोस्ट करूंगी। और इसका दूसरा तरीका यह है कि आप आलू और अंडे के मिक्सचर के अंदर ग्रेट किया हुआ चीज़ शामिल करें, इसे अच्छे से मिक्स करें और ब्रेड की स्लाइसों पर फैला कर इसे सेक लें। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसे हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसे ट्रायंगल शेप में कट करेंगे और अब आप इसे ग्रीन चटनी या केचप के साथ सर्व करें। ऐसे हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट को बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और फीडबैक करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।